राज्य में बागमबरी पीठ के महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत ने हमारे मठ मंदिरों की व्यवस्थापन के तौर तरीके पर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए। वहीं इस पूरे मामले में आरोपी और नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी की लाइफ स्टाइल पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बंसल न्यूज ने जब इस विषय पर संत समाज की प्रतिक्रियाएं जाननी चाही तो ज्यादातर संतों का यही मानना है कि अब समय आ गया है कि जब मठ मंदिरों आश्रमों से ऐसे लोगों को बाहर किया जाए जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं। संतों ने एक सुर में धर्म संसद की मांग भी की। अखाड़ों में या जो धार्मिक संगठन है उनमें प्रवेश के पहले एक सर्टिफिकेशन की प्रणाली हो, एक ऐसी प्रणाली हो जिससे अनुमोदित होने के बाद ही, और वो बड़ी टफ प्रणाली हो, और टफ प्रणाली के बाद ही संत समाज की तरफ बढ़े कदम किसी युवा के। आज हमारे देश में शंकराचार्य को चारों को अलग कर दिया है। उनको वास्तव में धर्म संसद के अधिकारी वही लोग हैं और उनको आचार संहिता बनाना चाहिए और ऐसी धर्म संसद में प्रत्येक का चारित्रिक प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और बिल्कुल यह होना चाहिए जिससे गंदगी साधु समाज में जो आई है और जो आने वाली है वो भी रुक जाएगी। जिनको राजनीति करना हो राजनीति करे, जिनको धर्म में रहना हो धर्म में रहे, जिनको व्यापार करना है तो वो व्यापार की प्रणाली व्यापार में करे। जी आचार्य शेखर जी, महामंडलेश्वर अगर कोई बात उठाते हैं तो महामंडलेश्वर कोई अखाड़ा बहिष्कृत कर देता है। महामंडलेश्वर कहते हैं कि कोई संस्था बननी चाहिए ऐसी, तो उस महामंडलेश्वर को अखाड़ा कहता है कि ये अखाड़े से बहिष्कृत किए गए। मैंने पिछले बार यहाँ जूना अखाड़े में कहा था कि महाराज गंगा जी में जो नाले डाले जा रहे हैं गंगा को अपवित्र करने के लिए, उनके लिए तो सरकारें काम कर रही हैं और आपके अखाड़ों में जो गंदगी घुस रही है ग्रस्तियों को आप महामंडलेश्वर बना रहे हो। बहुत अच्छी, बहुत रचनात्मक बात। महामंडलेश्वर बना रहे हो ग्रस्तियों को, महामंडलेश्वर बना रहे हो, ये कौन सी परंपरा निर्वाह करना चाहते हैं? बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। ये बदनाम परंपरा को क्यों बदनाम करना चाहते हैं?